द श्रेष्ठ भारत शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। राजनीतिक गलियारे में आज का दिन गहमा गहमी से भरा रहा। राज्यसभा की 15 सीटों पर सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग 3 राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। राज्य सभी सीटों के लिए वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सपा को झटका लगा है। यूपी में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर ना होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। नॉमिनेशन के आखिरी दिन भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को मैदान में उतार दिया। इस वजह से सपा का गणित बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर चुनाव हुए। इन तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका थी और हुआ भी कुछ ऐसा। वजह यह थी कि इन 15 सीटों पर 18 उम्मीदवार मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका है। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने विधानसभा में वोट डाला। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जोर तोड़ का सहारा लेगी, इसी वजह से FIR दर्ज की गई है। मुझे विश्वास है कि हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी विधानसभा में वोट डाला। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों ने वोट दिया है और उन्हें विश्वास है कि सभी ने पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर ही वोट दिया है। मैं तभी कुछ पाऊंगा जब नतीजे आ जाएंगे। भाजपा में अंतरात्मा नाम की चीज नहीं है, वहां तो पैसा अंतरात्मा चलाता है। कर्नाटक में भाजपा विधायकों को अपने कैंडिडेट्स की जीत का भरोसा है। पूर्व सीएम और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई, JDS नेता HD कुमारस्वामी ने विक्ट्री साइन बनाकर यही बताया। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उनकी उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई सेंटर के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया। चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद मिशन इसरो को और बुलंदियों पर पहुंचाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। साल 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की गई थी। पीएम मोदी ने पहली बार दुनिया के सामने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पेश किया जो गगनयान मिशन का हिस्सा बनेंगे। 4 अंतरिक्ष
यात्री विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन हैं गगनयान मिशन के लिए प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। चारों लोग बेंगलुरु के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में ट्रेनिंग इस समय ले रहे हैं। ये सभी टेस्ट पायलट हैं और अपनी विशेषता की वजह से टेस्ट पायलटों को आमतौर पर उस हर चीज़ का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है जो पहले कभी नहीं आजमाई गई हो। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन करने वाले बहुत से टेस्ट पायलटों में से 12 लोगों को सितंबर 2019 में बेंगलुरु में हुए पहले चरण के चयन में सफलता मिली थी। इंडियन एयरफोर्स ने ये चयन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के माध्यम से किया। कई बार स्क्रीनिंग के बाद IAM और इसरो ने 12 में से 4 लोगों को चुना। चयनित किए गए चारों लोगों को साल 2020 की शुरुआत में ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया। उसके बाद से चारों को कई एजेंसियों और सशस्त्र बल की ओर से ट्रेनिंग दी गई। इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को ट्रेनिंग के लिए कई तरह के सिमुलेटरों से लैस करने का काम कर रहा है। वे फिट रहने के लिए IAF के साथ नियमित रूप से उड़ान भरना जारी रखते हैं। इसरो के गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हरियाणा के INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में पुलिस को UK में बैठे एक गैंगस्टर पर शक है। नफे सिंह के कत्ल के बाद उनके परिवार को राज्य सरकार ने सिक्योरिटी दे दी है। नफे सिंह बहुत पहले से सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक इंग्लैंड में छिपे इस गैंगस्टर ने पहले भी राजनीतिक लोगों की हत्या कराई है। कुछ वक्त पहले दिल्ली में एक भाजपा नेता की हत्या में भी इसकी भूमिका सामने आई थी। हरियाणा पुलिस दिल्ली और हरियाणा में बंद इस गैंग के शूटर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इस वारदात में शामिल शूटर्स की CCTV फुटेज सामने आई थी जिसकी मदद से शूटरों की पहचान की जा रही है। नवे सिंह राठी के मर्डर की FIR में वीरेंद्र राठी, संदीप राजपाल शर्मा के नाम भी जोड़े गए हैं। इससे पहले 7 लोग नामजद किए गए थे जिसमें पूर्व MLA नरेश कौशिक, नगर परिषद के चेयरमैन करमवीर राठी, वर्तमान चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी, करमवीर का बेटा कमल राठी, पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे सतीश नंबरदार के अलावा पौत्र गौरव और राहुल के नाम भी शामिल थे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, दिल्ली क्राइम ब्रांच के अलावा हरियाणा पुलिस की भी कई टीमें काम कर रही हैं। हरियाणा सरकार इस मामले की CBI जांच की मंजूरी दे चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा में इसका ऐलान किया था। इस मामले में शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर जा रही है। पुलिस ने दिल्ली की जेल में बंद काला जठेड़ी से इस मामले में पूछताछ की है। नफे सिंह का कत्ल ठीक वैसे किया गया था जैसे सिद्धू मूसेवाला का किया गया था। कत्ल करने के तरीके को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि पूरी वारदात सुपारी किलिंग की वारदात है और पैसे देकर ये कत्ल कराया गया। जिन लोगों को नामजद किया गया पुलिस उनसे उनके बारे में पूछताछ कर रही है, लगातार जांच हो रही है। सवाल यह है कि बदमाशों ने नफे सिंह को मारने से पहले कई लोगों के नाम लिए थे जिन्हें नामजद किया गया। पुलिस को लगता है कि यह जांच को भटकाने का तरीका है ताकि इस कत्ल की साजिश के पीछे सक्रिय लोगों के नाम सामने नहीं आ सकें। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने 89.23 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि अग्रणी उत्तराखंड ही हमारी सोच, परंपरा और तकनीक के साथ ही प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी प्रदेशवासियों का और सभी क्षेत्रों का विकास करना है। हमारा प्रयास गांव और शहर, पहाड़ मैदान, स्त्री और पुरुष, युवा व बुजुर्ग, किसान और उद्यमी, सबको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। विकास का ये मॉडल इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित है। ये पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता को समर्पित बजट है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि साल 2024-25 में सरकार को 88,597 करोड़ 11 लाख की आय हो सकती है। उन्होंने अपने बजट भाषण में प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का जिक्र किया। कैसे
वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन 24 साल में पहली बार राज्य सरकार भोजन अवकाश से पहले दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में बजट पेश करेगी। अब तक विधानसभा के पटल पर भोजन अवकाश के बाद शाम 4 बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूट जाएगी। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में इंटीग्रेटेड थिएटर आर्टिलरी फायरिंग एक्सरसाइज की। इस मौके पर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर सी तिवारी मौजूद थे। सेना ने यहाँ पर अपने नए हथियारों का परीक्षण किया। एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को इस अभ्यास में शामिल किया गया था। सेना का यह परीक्षण इस लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि इसके दौरान कई तकनीकों को परखा जा रहा है। इसमें कुछ हथियारों की तकनीक तो ऐसी है जो बेहद खास है। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भारत नए हथियार खरीद रहा है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर हथियार भी बना रहा है। इससे पहले वायुसेना ने भी पोखरण में युद्धाभ्यास किया था। पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी के चलते ये युद्धाभ्यास किया गया था। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज करीब 50 किलोमीटर एरिया में फैली है। 16 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। इसमें 84,560 करोड़ रुपए की डिफेंस डील को मंजूरी दी गई थी। मिनिस्ट्री के मुताबिक ये डील ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के तहत की गई थी। भारत कई देशों के साथ रक्षा सौदे कर नई तकनीक के हथियार खरीद रहा है। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और इस तरह की खबरों के लिए लगातार हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।